तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आ चुका हूँ झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। पहले दोस्तों, पहली खबर लेकर क्या है, जन्माष्टमी। दोस्तों, झारखंड के विसर्जन के दौरान था दुर्गा मूर्ति को लेकर के बता दें कि झारखंड में विजयदशमी के साथ साथ ही सोमवार को राजधानी राज्य समेत पूरे झारखंड में माँ भवानी को विदाई दी गई। विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में स्थापित की गई माँ की प्रतिमा का विसर्जन जलाशयों में किया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की निगरानी में पूजा समिति के सदस्यों ने बड़ा तालाब, चंडड़ी तालाब, जेल तालाब सहित अन्य तालाबों में माता की प्रतिमा विसर्जित स्थित दुर्गा बाटी में विसर्जन के लिए माँ प्रतिमा को कंधे पर उठाकर भक्त विसर्जन के लिए बड़े श्रद्धालुओं के अमीर गुड़ाल उठाते हुए माँ प्रतिमा को जयकार के साथ विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। दोस्तों, कहीं ना कहीं विजयादशमी दिन सभी सुरक्षित और अच्छे तरीके से माँ दुर्गा की विसर्जन किया गया, विदाई की गई। तो वही दोस्तों, बताया कि झारखंड में धर्म कोड को लेकर के अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार लागू है। बता दें कि सेमिनार को लेकर बहुत जल्दी तिथि तय कर दी जाएगी। धर्म कोड को लेकर अच्छी पढ़ा सरनद प्रार्थना सभा का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिलेगा। इसमें झारखंड विधानसभा की विशेष सत्र बुलाकर सरनद धर्म कोड बिल पास कर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया जाएगा। पूरे भारत के आदिवासी धार्मिक मान्यता के अनुसार सरनद धर्म को स्वीकार करने के लिए एक सेमिनार रांची या दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बहुत जल्द इसको लेकर तिथि तय की जाएगी। यह बातें सोमवार को सभा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर प्रवीण उर्राव ने भूसुर सरनद स्थल में आयोजित एक बैठक के दौरान कही। बता दें दोस्तों कि यहां पे दिल्ली और रांची के बीच दोनों अवस्था पर एक सेमिनार रांची किया जाएगा, जो सरनद धर्म कोड को लेकर के किया जाएगा। तो वही दोस्तों, बता दें कि झारखंड में अभी तक कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में अब तक कुल संक्रमित 99,686 हो चुके हैं। राज्य में अब तक 92,976 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में सोमवार को 220 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित 99,686 हो गए हैं। हालांकि राज्य 392 मरीज ठीक हुए हैं, इनमें से रांची के 92 मरीज है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 92,997 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 5,844 देखने को मिल रही है। राज्य में सोमवार को 6 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से भूमि सिंह के 3 और गोडमासी व सरायकला में एक एक मरीज शामिल हुए थे। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर रोजाना कुछ ना कुछ मरीजों की संख्या घटती जा रही है और बढ़ती भी जा रही है। जिसके मैं कहूँगा कि आप लोग सावधानी बरते रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को। और दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को दूरियां बना के रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये अपने राज्य कोरोना संक्रमित को लेकर के झारखंड की तरफ से। तो वहीं दोस्तों, एक खबर बिहार की तरफ से आ रही है। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के कोरोना काल का पहला चुनाव होगा, जो कि 16 सीटों के साथ 16 जिलों में 71 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जो कि बिहार चुनाव का दोस्तों अपडेट है। बता दें कि सोमवार को चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया गया है। 28 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में 16 जिलों में चुनाव होगा और इसमें 71 सीटों पर मतदान किया जाएगा। दोस्तों, देखना पड़ेगा कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है, क्या NDA सरकार बनती है या फिर और किसी सरकार बनती है। तो वही दोस्तों, हम बता दें कि इस तरह आप लोगों को सिलेंडर के लिए OTP की ज़रूरत पड़ेगी। बता दें कि आप रसोई गैस LPG उपभोक्ता हैं तो खबर आपके लिए बहुत अहम होगी। बता दें कि अगले महीने से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी नए प्रोसेस से की जाएगी। 1 नवंबर 2020 से गैस डिलीवरी के लिए OTP यानी वन टाइम पासवर्ड की ज़रूरत होगी। इसके माध्यम से ही आपको OTP के माध्यम से ही आपको सिलेंडर मिलेगा। अगर आपके पास OTP नहीं रहेगी तो आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। 1 नवंबर 2020 से तेल कंपनियों द्वारा नए नियम से LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी की जाएगी। इस प्रोसेस का पालन नहीं करने पर होम डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। रसोई गैस की चोरी रोकने और सभी ग्राहकों की पहचान के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी 1 नवंबर से OTP के जरिए होगी। बिना OTP से के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। आप रसोई घर के अगर आपके पास रसोई गैस की उपभोक्ता हैं और आपकी इसकी तैयारी नहीं की है ताकि आपने परेशानी नहीं ले सकें, तो इसकी व्यवस्था के लिए आप डिलीवरी DAC के नाम डिलीवरी अथॉरिटेशन कोड नाम दिया गया है। इसके जरिए आप यहाँ पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर करनी झारखंड की तरफ से, यानी कि राज्य के सभी यानी देश के सभी जिलों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रसोई गैस की OTP के जरिए ही आपको सिलेंडर अब मिल पाएगा। तो ये थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड की तरफ से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नए खबर साथ। तब तक के लिए जय हिंद।